हरियाणा से अगले कॉलर हैं रामपाल स्वागत है आपका हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार मैडम मेरे को 20 वर्ष हो गए जख्मी खत्म होगा मैडम कहाँ पे जख्म है उसमें टांग में, में जी उपर, के के है जी ऊपर गोड्डे से ऊपर बल्कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था ऑपरेशन की फिर टांग भी चली गई लेकिन जख्म आज भी है जी पैरों में जख्म हाँ देखिए दवाओं के ज़रिए जो काम ये एलोपैथ डॉक्टर करते हैं वो हम भी नहीं कर सकते अगर जख्म बहुत ज़्यादा हो तो बैंडेज उसकी दो बार करा दें 24 घंटे में दो बार बैंडेज करें और एक चुटकी में जितनी हल्दी आए ये रोज़ाना लिया करें आपको फ़ायदा होना मुमकिन जी हकीम साहब हमारे पास दो कॉलर्स ऐसे हैं जिनका सेम प्रश्न था जो कि ये पूछ रहे थे सोने की दिक्कत जिन्हें थी जो कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोने से पहले या सोने के लिए ही नींद की दवाइयों का प्रयोग करते हैं लेकिन इनका अत्यधिक प्रयोग करना यानी कि जो लोग साल दो साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं वो किसी गंभीर रोग का शिकार नहीं हो जाएंगे देखिए नींद की गोलियाँ हमारे दिमाग को ब्लॉक करती है और दिमाग से ही हम अच्छी बुरी बात सोच सकते हैं बिल्कुल। आगे जाकर हमारे दिमाग की नर्व ब्लॉक हो जाती है और हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है ये बात तयशुदा है कि नींद की गोलियों से मेमोरी ख़त्म हो जाती है और फिर हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन याददाश्त नहीं रहती अगर ऐसे जीना है तो आप भूलें और नींद के लिए बेहतरीन चीज़ है आप थक जाएं और थकने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप पैदल चलें खूब पैदल चलें जितना भी चल सकें जब तक थक ना जाएं चलते रहें और फिर जैतून का सिरका तीन चम्मच पी के लेटें फ़ौर नींद आना मुमकिन है ये दिमाग के ब्लॉकज को खोलते हैं और दिमाग को सुकून और आराम पहुंचाते हैं तय आपको करना है कि आपको क्या दवा बेहतर है आपके लिए आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेहतर है इस तरह के आजकल बहुत वाक्य बढ़ते जा रहे हैं कि लोग बगैर नींद की दवा के नहीं सो सकते और फिर उसे छोड़ भी नहीं सकते ड्रग्स हो जाते हैं इलाज तो करते हैं वो अपनी बीमारी का लेकिन फिर इतने आदि हो जाते हैं कि उसके बाद वो बग़ैर उसके सो नहीं सकते फैसला करना आपके हाथ में है कि क्या आपके लिए बेहतर है तो बिल्कुल दर्शकों बहुत अच्छी बात यहाँ पे हकीम साहब ने कही है कि फ़ैसला तो आप ही को करना होगा क्योंकि जीवन आपका है आप इसे अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही घुट घुट के जीना चाहते हैं किसी भी अगर मेडिसिन को लेके आप एडिक्शन महसूस करते हैं कि इस दवाई के बिना हम नहीं रह सकते हैं तो आपसे कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से बाहर निकलिए और वो कोशिश क्या होती है नुस्खे इतने अच्छे और इतने सरल नुस्खे होते हैं जो घर बैठे बैठे आप लोग बना सकते हैं लेकिन सिर्फ आपको ये जानना है कि नुस्खा कैसे बनना है कौन सा नुस्खा आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है तो कार्यक्रम लाइव है लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं नंबर पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे नेक्स्ट कॉलर है रागनी जी स्वागत है आपका हेलो हाँ जी मैम जी कहा से बात कर रही हैं गोरखपुर से मैम हम्म सवाल कर लीजिए वो बहुत जी आपकी उम्र क्या है दीव. रागनी आपको ब्लडिंग होती है या वैसे ही दूसरी बवासीर है नहीं नहीं, नहीं ब्लडिंग नहीं होती है सूखा है ठीक है ठीक है देखिए आजकल कई बीमारियां ऐसी हो गई हैं जो लोग जानते भी नहीं एक सूखा बवासीर चाइनीज़ भी चल रही है जिसको अभी तक कोई समझ भी नहीं पा रहा तो देखिए रागनी बहुत कम उम्र है आप आ, अरंडी का तेल लीजिए अरंडी का तेल को कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है एक चम्मच चम्मच चाय का चम्मच भर के पिए और गरम गरम पानी एक गिलास पिएं। ऐसा आपको दिन में दो बार करना है खाने से पहले अगर आप ये किया करेंगे तो आपको अच्छा होना मुमकिन है रागनी अभी आपकी उम्र भी देखिए कितनी कम है तो जल्द से जल्द अगर आप ये नुस्खे अपना लेंगे और रॉ मटेरियल असली ही आप ले लेंगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा आने वाली तकलीफ़ों से आप बच सकती हैं दर्ज को देखिए यही वो बातें होती हैं जब आप लोग जान लेते हैं तो आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं आने वाले समय में अगर आपको कोई रोग होने वाला होता है वो भी आपका रुक सकता है यानी उससे आप बच सकते हैं क्योंकि आप जब जानते हैं वो घरेलू नुस्खे जो लाइव कार्यक्रम में आप लोगों को हकीम साहब बता रहे हैं तो आप उन्हें जरूर अपनाइए क्योंकि जब आप लोग बताते हैं कि हमें इतना फ़ायदा मिल रहा है या फिर हमारी जो तकलीफ है वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है और हकीम साहब यकीन मानिए दर्श को अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम चाहते हैं कि लाखों लोग जो कि इससे लाभान्वित हो रहे हैं लाखों लोग जो रोग मुक्त हो रहे हैं तो अब आप लोग भी रोग मुक्त हो सकते हैं तो जुड़िए हमारे साथ कार्यक्रम लाइव है फोन उठाइए नंबर्स पे कॉल कीजिए जो जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे बात अगले कॉलर से स्वागत है आपका रिजवान जी स्वागत है आपका हेलो जी मैं जी जी सीतापुर आपका सवाल क्या है, जी सवाल ये है मेरी बहन के बाल झड़ रहे हैं जी उसके बारे में कोई सम... अच्छा उनकी उम्र क्या है ठीक है तो देखिए किसी बच्चे या बच्ची को बाल झड़ते हों या वहाँ से निकलते हों या चेहरे पर रौनक ना हो चेहरे पर झाइयाँ या काला सा हो गया हो डार्क सर्कल हों ऐसे लोग सफ़ेद गौन मोरिंगा इस्तेमाल करें वो दाना एक ग्राम पानी में मिलाकर दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके बाल में फ़ायदा होना मुमकिन है राजापुर से है सुनील शुक्ला जी स्वागत है आपका हाँ नमस्ते जी नमस्कार हाँ जरा हाजीर जी से बात करवा दीजिए जी जी शुक्ला साहब मैं हाजिर हूँ बताइए क्या सवाल है हाँ जी सर नमस्ते आदर अच्छा हमने आपके यहाँ से सिया गूगल मंगवाया था जी हेलो जी हम सुन रहा हूँ हाँ तो सिया मंगवाया था आप यहाँ से हाँ तो चार महीने हो गए खाते हुए हाँ तो मतलब हमें आराम तो है मगर कमर से लेके पैरों तक नक का खिंचाव बहुत ज्यादा हो रहा है ये बताइए आपने वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लिया नहीं एक नहीं सर हमने हम, हम ख़़े -ख़़े करते हैं सर। अच्छा देखिए आप ना दवा में पैसे मत खर्च करिए वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लीजिए अपने घर में ऐसा कुर्सी वाला नहीं तो बहुत देर में फ़ायदा होगा आपको शिकायत होगी फायदा आपको अभी तक हो चुका होता जो भी बचा है फायदा देखिए जब हम जमीन के कदम चो पर बाथरूम में बैठते हैं नीचे तो हमारी उसी जगह पर ज़द आती है उसी जगह पर जोर पड़ता है जहाँ पर हमारी कमर में ये नसें दबी हुई हैं तो रोज़ाना दवाई उसको जोड़ती है और ये अमल रोज़ाना तोड़ देता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर कर मिलती है कि वो लगवा लीजिए नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे हमारी बड़ी रेपटेशन आप जैसे लोगों ने बना दी है कि हमने मशवरा दिया आपको फ़ायदा हो गया अब अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हमारी इज़्ज़त का सवाल है और ये ज़रूर लगवाइए क्योंकि आपसे भी बड़े लोग घर में होंगे उनको भी तकलीफ होती होगी वो चाहे कहें नहीं लेकिन तकलीफ होती है एक उम्र में हर किसी को घुटनों में कमर में तो आप वो लगवा लें एक बार कुछ दवा न लें बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं अगर आप वो लगवा लें तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है जी उदयराज सिंह हमारे साथ स्वागत है आपका हेलो जी जी बताइए अपना सवाल कर लीजिए हमने आपके वहाँ से जैतून का सिरका मंगाया है हाँ तो खतरा से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सिरके से क्या क्या बीमारी ठीक होगी आपको क्या बीमारी है अरे हमें शुगर भी है हाँ शरीर में दर्द भी कभी कभी हो जाता है और आपकी उम्र क्या है बहत्तर साल जी अच्छा देखिए ये दर्द के अलावा कई रोगों का इलाज है दर्द का इलाज नहीं है ये दर्द के लिए तो गौनस्या लेना होगा आधा आधा ग्राम अगर बहुत ज़्यादा है तो मामूली सा है तो किसी से भी इलाज कराएँ और किसी कोई दवा काम ना करे मुद्दतें हो गई दर्द में तो फिर गौनस्या ले सकते हैं असली अच्छा देखिए शुगर का की रोकथाम के लिए है ये कंट्रोल करने के लिए ठीक करने के लिए शुगर अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो ठीक कर दे तो आप इसको तीन तीन चम्मच दिन में और रात में दो दो बार पिए दो बार पिए पानी में मिला के काफ़ी तेज़ है और ये कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन है चर्बी कहीं भी फालतू चर्बी कोलेस्ट्रॉल होगा तो उसे ये ढूंढ कर निकालता है दिल के लिए भी बहुत अच्छा है लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है पेट के लिए भी बहुत अच्छा है इसके इतने फायदे हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं, तो आपका पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा इसमें तो इन ख़ास तौर पर ये रोग जिन लोगों को हैं वो लोग इन्हें ले सकते हैं नेक्स्ट कॉलर हैं, बात कर लेते हैं स्वागत है आपका हेलो हाँ जी क्या नाम है कहां से बात कर रहे हैं ग्वालियर से रामचंद त्यागी जी बताइए सवाल करिए अरे मैंने दवाई मंगाई थी आपका लगाने का नंबर तो मैंने दवाई मंगाई है सिया गोंद हाँ। और सिया गोंद और पपैया मैंने इनको अपना घुटनों में दर्द था दे रहे हैं हाँ। अकील साहब से बात करा दो थोड़ा जी जी बात हो रही है बताइए आपके घुटनों में दर्द मैं, मैं, मैंने घटुआ दर्द था और पेट में मेरे को गैस बनती हो रही ठीक है और पेशाब रुक रुक के आने लगी थी ये तीन मैंने बताया था उनको तो गोंसिया भेजा है ठीक है और ये पपैया लायब पपैया हाँ ठीक है तो ये कैसा खाना है क्या है मतलब अभी खाना शुरू नहीं किया नहीं अभी कल तो आएगा मेरे पास अच्छा ठीक है ये गोंद सिया को आप पाउडर बना लें अच्छा। और चाहें तो आधा ग्राम अंदाजे से ऐसे एक हाँ। दो दो चुटकी के करीब ये हाँ। चुटकी है ना दो चुटकी ऐसा सुबह हाँ, नाश्ते थी, के बाद खाएं और शाम हाँ को खाने के बाद चिपकता अच्छा, है ये अच्छा, ये चिपकता है तो शहद में हाँ शहद में मिला खा सकते हैं गोली बना के खा सकते हैं अच्छा तो आधा आधा ग्राम खाना है दो बार पपैया लीफ एक बार पूरे वो, दिन में वो कब खाना है वो दोपहर में खा लिया करिए किसी वक्त खाने के बाद अच्छा और, किसी वक्त खाले मतलब हाँ और ढाई लीटर पानी पिया करें रोजाना पानी तो मैं वैसे भी बहुत पीता हूँ सर हाँ नहीं ढाई लीटर गिन के बोतल ढाई लीटर आपका, आपका देखता था ना तो मैं पानी गर्म पीता हूँ अच्छा देखता हूँ हाँ देखिए हमने भी अभी गर्म पानी पिया है और मैं रोज पीता हूँ बहुत फायदे हैं गर्म पानी के और आप ये इस्तेमाल करें पाँगे हाँ? आप ये इस्तेमाल करें पांच सात दिन के बाद फायदा शुरू होगा आपको कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं हो नहीं। मैंने वो, मैंने उनसे जो बोला था मैंने पर्चा भेज देना तो कोई दिक्कत नहीं आई मैं फोन नहीं करना पड़ा है वो हाँ ठीक है और आधा चम्मच मेथी खाया करो रोजाना पाउडर बना के पाउडर बना के मेथी आधा चम्मच पानी में मिला के और रोज़ाना आप खाया करो बहुत फायदा होता है ये छोटे छोटे नुस्खों से बहुत फायदा होता है ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इतना सब कुछ आ जाएगा कि आपको किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं होती जम्मू से हैं विजय स्वागत है आपका हेलो नमस्ते मैम सर जी नमस्कार नमस्कार हकीम सर डाक्टर मेरे तीन सवाल है जी एक तो मैंने आपसे सया गुंदाया था हाँ। तो उससे मुझे फर्क तो है थोड़ा है अभी महीना हुआ खाते हुए तो दूसरे मेरी आँखों के पीछे ना नाड़ियों में कहते हैं कि डाट है काले काले तो नजर कम है तो तीसरा है कि ओ, आप आपके मैंने जैतून का सिरका मंगाया था तो उसको कैसे खाना है खाने से पहले खाना है खाने के बाद खाना ठीक जैतून का सिरका खाने के बाद या सालद में मिला के अपने सब्जी सालद में मिला के खाएं या पानी में मिला के पी लें खाने के बाद खाना बेहतर है एक बार से दो बार तक ले सकते हैं वन टाइम से टू टाइम तक ले सकते हैं और गौन सिया ने फ़ायदा शुरू कर दिया एक महीने करीब हुआ है आपने फ़ायदा तस्लीम कर लिया तो आप खुश हो जाइए कि इसी दवा से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है इसमें बस यही ऐप है कि रोज़ाना थोड़ा सा फ़ायदा करता है जैसे जैसे आप खाते जाएंगे ऐसे ऐसे रोज़ाना ज़रा सी बीमारी बाहर निकालता ये दर्द बाहर नहीं निकालता ये रोग को बाहर निकाल देता है थोड़े से रोज़ाना वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें और इन्हें इस्तेमाल करें आपके तमाम रोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है